सब्सक्राइब कीजिए फूड ओपीट चैनल को एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। फूड ओपीट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा, आप देख रहे हैं फूड ओपीट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपसे एग लेयर क्रिस्पी डोसा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लेयर डोसा बनाने के लिए सबसे पहले एग को फेंट के रख दिया है और ये डोसे के बैटर को हम इस तरीके से फैला लेंगे। अगर आपको इस बैटर के बारे में देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से हमें डोसे को फैलाना है पतला और इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। गैस की फ्लेम को तेज़ रखेंगे और इसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे। इसके ऊपर हम हल्का हल्का छिड़काव करेंगे धनिया का, हरी मिर्च का और थोड़े हमने इसमें प्याज काट लिया है, बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जो एग है, इसको हमने जो फोड़ के रखा था इसके ऊपर लेयर डाल देंगे। अंडे में बहुत ही अधिक प्रोटीन होता है, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, बच्चे क्या बड़े सभी खा सकते हैं इसे। इस तरीके से बना के देंगे तो ज़रूर खाएंगे बच्चे। इसको हम पूरा फैला लेंगे ठीक से। ये डोसे का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसमें हम थोड़ा गाजर डाल देंगे, कद्दूकस की हुई गाजर है। बच्चे गाजर ऐसे नहीं खाते हैं तो कुछ भी चीज़ों में ऐसे डाल के हम दे सकते हैं। थोड़ा टमाटर डाल देंगे इसमें जूसनेस के लिए, थोड़ा हम टमाटर डालेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा छिड़काव करेंगे रेड चिली पाउडर का। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा, ये देखिए चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाला डालने के बाद और भी कोई चीज़ों की डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चाट मसाला में ऑलरेडी सभी चीज़ें डली रहती हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हम काला नमक, हल्का सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि चाट मसाले में भी हल्का नमक खारापन होता है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। इस तरीके से सभी चीज़ों को ऐसे मिला लेंगे। ये देखिए इसको हम ऐसे इस तरीके से निकालते हुए धीरे धीरे करके, वैसे तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं डोसे, ज़्यादा चिपकते नहीं हैं। ये देखिए अब इसको हम धीरे धीरे करके रोल करेंगे। ये देखिए पक गया है अच्छी तरीके से। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है तो आप इसको और भी ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। इसको अगर सॉफ्ट चाहिए तो थोड़ा जल्दी निकाल सकते हैं। इस तरीके से देखिए इसको हम रोल कर देंगे। रोल करने से बहुत अच्छा लुक आ जाता है डोसे का और बच्चे भी देख के खुश हो जाते हैं कि एक अलग दिख रहा है। अगर आप खुला रखेंगे तो बच्चे सोचेंगे कि अरे यार क्या क्या डला है, और जब हम उनको इस तरीके से देंगे रोल करके तो बहुत अच्छे से खाएंगे। देखिए बन के रेडी हो चुका है, आप इसे इस शेप में काट के रख दें सामने तो इसे बहुत अच्छे मज़े से खाएंगे बच्चे। ये देखिए है ना, बहुत अच्छा दिख रहा है और सभी चीज़ें दिख रही हैं इसमें, जो जो चीज़ हमने डाला है इसके अंदर। ये अब इसे हम खा सकते हैं, बन के रेडी हो गया है, अब इसे हम सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से दिख रही हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।